अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने टाइटल में तो पढ़ ली होगी वीडियो की कि मैंने आज आपको क्या बात बतानी है। तो आज की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से लेकर एंड तक आप तवज्जो से देखेंगे या सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ी गलती से आप बच सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनको फटाफट ब्रीडिंग चाहिए होती है और वो कुछ नहीं देखते और वो जाके फटाफट जो है वो ब्रीडर पेयर खरीद लेते हैं या अंडे बच्चे करा हुआ मट्टी में जो और बॉक्सेस में जो लोग बेच रहे होते हैं वो वाला पेयर उनसे जाके ले लेते हैं और वो इनको आराम से बेच देता है वो पेयर और कहता है कि यार ये अंडे बच्चे करे हुए पेयर हैं, इसको आप घर ले जाओ, ये बच्चे भी आपको पाल के देंगे और ये अंडे करे हुए पेयर हैं और इसमें से बच्चे निकलेंगे तो आपको देंगे। तो यार कभी भी ऐसा नहीं होता। तो इसी पर आपको पूरी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ और इससे आपको क्या क्या नुकसान होने वाला है वो भी बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। तो यार कभी भी आप मार्केट जाते हो और आप सोचते हो कि यार मैं अंडे बच्चे करा हुआ यानी मट्टी में या बॉक्स में अपने अंडा बच्चा करा हुआ होगा और वो मार्केट में आपको बेच रहे होंगे और कहेंगे ये ले जाओ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, इससे आपके जो पैरेट होंगे वो जो है अंडे बच्चे करे हुए होंगे और आप फटाफट जाओगे अपनी इसको जाके अपने बॉक्सेस में लगा दोगे यानी वो आपको लाले देते हैं, इसको जाके फटाफट अपने पिंजरे में लगा दोगे तो ये बच्चे पाल के आपको दे देगा और फिर आप इसके बच्चे भेज देना और ये एक ब्रीडर पेयर है। तो यार इसके पीछे सच क्या है और वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ और इसको लेने के बाद आपको जो नुकसान होगा ना वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें सच ये है कि वो कभी भी पेयर जो अंडे बच्चे करे हुए वो मट्टी में बेचते होते हैं वो पेयर बिल्कुल ख़राब पेयर होते हैं, यानी वो जब भी बेचते हैं उन पेयरों को कि उनके पास या तो वो अंडे बच्चे निकाल रहे होते हैं सही है और जैसे 100% में से 80% तो बिल्कुल यही होता है तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं किस तरीके से बेचते हैं। तो वो देखते हैं कि ये अंडे बच्चे तो कर नहीं रहा तो वो किसी और मादी के ख़राब अनफर्टाइल एग्स होते हैं ज़ाया हुए हैं वो उनको ज़ाया नहीं करते बल्कि उसके नीचे रख देते हैं और अंडे सहित आपको ला के मार्केट में चूना लगा के बेच देते हैं जिससे आप वो पेयर खरीद लेते हो और आपको पता नहीं होता, आप लालच में आके फटाफट उस पेयर को खरीद लेते हो। और जब भी मादी आपने देखा होगा या आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, जब भी आप एक अगर मेरे ये मटकी है फर्स्ट मसाल के तौर पर इसमें बच्चे निकले हैं, अभी मैं इस मटकी को उठाऊँ और उठा के उधर अपनी कॉलोनी जो बाहर रखी हुई है जो आप देख सकते हैं मैं पिछली वीडियो से मैंने दिखाई है उसमें ला के जाके बांध दूँ जोड़ा समेत तो ये कभी भी अपने बच्चों को कभी भी फीडे नहीं कराएगी यानी कभी भी अपने बच्चों को नहीं पालेगी। यानी अगर एक जोड़े की आप अंडे बच्चे करेगी कि जगह चेंज करोगे तो वो कभी भी बच्चों को नहीं पालेगी। ये आपको सबसे पहली बात मैं बता दूँ, ये आप कहीं लिख लें या अपने दिमाग में बिठा लें तो कभी भी ऐसे पेयर नहीं लें क्योंकि वो तो आपको पागल या चूतिया बना के वो बेच देते हैं। वो तो क्या उनका काम होता है सिर्फ बेचना, किसी न किसी तरीके से निकल जाए तो वो आपको मक्खन मक्खन लगा के फटाफट बेच देते हैं। तो वो आपको यही कहे ज़्यादातर मक्खन यही लगाते हैं यार ये ले जाओ ये एक ब्रीडर पेयर है और तैयार शुदा और देखें अंडे बच्चे करता हुआ है, अगर आप इसको अंडे बच्चे करता हुआ ले जाओगे तो ये घर में जाके बच्चे भी पालेगा और फ़ौरन फिर बच्चे अपने बड़े करने के बाद फिर आपको अगली ब्रीड करना स्टार्ट होगा। तो कभी भी नहीं, जब भी आप अंडे बच्चे करा हुआ पेयर घर पर ला के लगाओगे तो वो हमेशा अगर बच्चे करा हुआ पेयर ले लोगे मट्टी समेत बच्चे दिए में होंगे और पेयर ले लोगे तो वो हमेशा अपने बच्चे फ़ौरन जैसे आप बांधोगे उसके 5 या 10 मिनट बाद वो अपने बच्चे मार देगी क्योंकि उस तोते की जब भी जगह चेंज होती है तो वो अपने बच्चों को मार देता है यानी जान से मार देता है और मार के नीचे फेंक देता है। और अगर अंडे दी भी होगी तो वो जो है अंडे फेंक देगी और उससे आपको ये नुकसान होगा, एक बार अगर वो मट्टी में अगर आप उसकी जगह चेंज कर दो और उसमें एक बार उसने अपने बच्चे मार दिए जगह चेंज होने की वजह से या फिर अंडा फेंक दिए तो वो फिर तकरीबन 1 से 1.5 या 2 महीने तक अंडे या बच्चे नहीं देती है। उनकी बताना जो अंडे बच्चे आप ओरिजिनल करे हुए ले आते हो पेयर यानी अपने दोस्त से ले लिए ऐसे ले लिए तो इसमें फिर वो आपको 2 महीने 2.5 महीने तक कभी भी ब्रीड नहीं करेगा पेयर क्योंकि वो थोड़ा टाइम ले लेता है फिर आपसे नई ब्रीडिंग करने के लिए। तो इसमें आपको नुकसान ही है ना, थोड़े से टाइम की आपको लालच होती है लेकिन बाद में आपको बहुत गहरा नुकसान उठाना पड़ता है और वो जो बंदा होता है यानी
जिससे आप खरीद रहे होते हो वो आपको ब्रीडर पेयर के हिसाब से आपको बेच देता है, सही है। उसका तो कुछ नहीं जा रहा, उसको तो पैसे लेने होते हैं, और वो ब्रीडर पेयर के हिसाब से आपको बच्चों की वजह से कुछ ज़्यादा कीमत भी ले लेता है, या फिर ब्रीडर पेयर के वो वैसे भी ज़्यादा पैसे ले लेता है, जिससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, जबकि वो ब्रीडर पेयर नहीं होता और आपको आगे जाके उसका नुकसान काफ़ी उठाना पड़ता है। तो ऐसे काफ़ी लोगों के साथ हुआ भी होगा, जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके साथ ये हो चुका होगा, ये स्ट्रीम हो चुका होगा। तो जो हमेशा इससे आप बचें, हमेशा जो मेरी एडवाइस है जिसके हिसाब से मैं बताता हूँ, तो हमेशा आप पट्टे लेकर आए। पट्टे अब आपको बता दें कि पट्टे होते कैसे। तो पट्टे ये जैसे आप कूदे मेरा ऐसे, तो पट्टे नहीं, खैर मेरा एक पट्टा यहाँ पर टफ टेट का था, वो अंदर मट्टी के अंदर चला गया है खुद ब खुद। अच्छा ये देखें, ये पट्टे तकरीबन आप ये देख सकते हैं, ये वाइट कलर का पट्टा दिख रहा है आपको, तकरीबन इस साइज़ के पट्टे लाएँ नर्मादा, सही है, और ला के छोड़ दें। छोड़ दें उससे ये होगा कि आपको तकरीबन 20 से 30 या एक महीना खाएगा पिया, लेकिन उसके बाद जो वो अंडे बच्चे करेगा ना वो बहुत बेहतरीन करेगा। ये मेरी एडवाइस है, अगर इस पर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो जिन भाइयों ने ये वीडियो पूरी देखी होगी उनको उम्मीद है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उनको काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को और समझने को मिली होंगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, नाइट।